आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। इसे बनाने के लिए किसी खास त्यौहार या मौके का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये सदाबहार रेसिपी है क्योंकि ये कोई भी सीज़न हो सभी लोग खाना इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी दही बड़े, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो दही बड़े हैं, बहुत लोगों का क्या होता है कि हार्ड बनते हैं दही बड़े, कड़े हो जाते हैं अंदर से, तो बहुत ही ज़्यादा वो सॉफ्ट बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप उड़द की दाल ली है। आप चाहे तो आधा उड़द की दाल और मूंग की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ उड़द की दाल ली है। और इसे मैंने 8 घंटे तक भिगा कर रखा है। तो 8 घंटे भिगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो 3-4 घंटे लोग भिगाते हैं ना, तो उसमें दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट अंदर तक नहीं हो पाता है, और जो दही बड़े उसके बनते हैं काफ़ी फ्लफ़ी नहीं बनते, स्पॉन्जी नहीं बनते हैं। तो 8 से 10 घंटे, मतलब अगर आपके पास समय हो तो पूरी रात के लिए दाल को भिगा दें और उसका पानी सुबह निकाल कर फिर उसको पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने चटनी वाला जो ग्राइंडर जार होता है उसको लिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बारीक हमें इसे नहीं पीना, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। ऐसा ही हमें दही बड़े के लिए जो पेस्ट है उसे पीस कर तैयार करना है। तो पानी का मैंने यहाँ बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। अगर आपको थोड़ा सा पीसने में दिक्कत लगे तो 1 या 2 चम्मच पानी यहाँ पर डालकर आप इसे पीस सकते हैं। तो ये देखिए, सारा जो मैंने उड़द की दाल जो भिगा कर रखा था उसे मैंने 3 बैचेज में पीस लिया है। दाल को अब साइड में रख देंगे, और यहाँ पे मैंने 8-10 काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 10 से 12 किशमिश है इसे भी बारीक बारीक काट लेंगे। तो किशमिश और काजू डालने से जो दही बड़े हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं। और 2 हरी मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है। तो जो दाल है उसे अब अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट तक हाथों से फेंटेंगे। तो इससे क्या होता है कि इसमें एयर भर जाता है, हवा भर जाएगी, तो ये काफ़ी फ्लफ़ी बनता है। और जब दाल अच्छी तरह से भीगा हो, 8 से 10 घंटे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको फेंटने में, और काफ़ी ज़्यादा ये फ्लफ़ी हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है 5 से 6 मिनट में ही। तो इसी तरह से अच्छी तरह से इसको फेंटना है। और 1 कटोरी में मैंने पानी लिया है। अब इसमें थोड़ी सी दाल का जो पेस्ट है उसे थोड़ा सा मैंने इसमें डालकर देखा। देख सकते हैं कि जो दाल का पेस्ट मैंने कटोरी में डाला था ऊपर तैरने लगा है, यानी कि ऊपर आ गया है। तो ये बिल्कुल रेडी है दही बड़ा बनाने के लिए पेस्ट। अब इसमें जो बारीक कटा हुआ काजू है, किशमिश है और हरी मिर्च है, इसे डाल दिया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, यानी नारियल का बुरादा। तो ये सारी चीज़ें जब ये उड़द की दाल के पेस्ट में मिलाकर दही बड़े बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा दही बड़े का टेस्ट आता है। तो बहुत लोग स्टफिंग वाले जो बनाते हैं दही बड़े उसके अंदर यही सब भरते हैं। तो मैं ये मिक्सर में ही मिला दे रही हूँ, जिससे कि ये आसानी से बन भी जाता है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो मिक्सर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ मीठी वाली दही बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम फ्रेश दही लिया है। खट्टी वाली दही मत लीजिएगा, बिल्कुल फ्रेश दही लीजिएगा। तो इसे मैंने घर में जमाया था वही दही मैंने लिया है। और 2 चम्मच इसमें मैंने चीनी डाल दिया और इसे अच्छी तरह से फेंट दिया है। तो इसे अच्छी तरह से फेंट कर साइड में रख देंगे, तब तक चीनी भी अच्छी तरह से इसमें गल जाएगा और मिक्स हो जाएगा, और उसे ढक दिया है मैंने। अब आइए जीरा भून लेते हैं। तो 2 चम्मच मैंने जीरा लिया है और इसे धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक चटकने तक भून लेंगे। तो जीरा भून चुका है, अब इसे ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इसे पीस लेंगे। अब गैस पर एक बड़े बर्तन में रख देंगे 1 लीटर पानी, उसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा सा हींग डाल देंगे, और इस पानी को गुनगुना होने तक गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना रहे कि उंगली से टच होने पर ये लगे कि गर्म हो चुका है, इतना ही हमें गर्म कर लेना है। अब इसे उतार कर साइड में रख देंगे और तेल को गर्म करेंगे। तो तेल को मीडियम हाट गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए तेल, नहीं तो जो दही बड़े बनाएंगे वो डालते ही जलने लगेगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें दही बड़े का जो मिक्सर है उसे हाथों में पानी लगाकर धीरे धीरे करके इसमें पकौड़े जैसा बनाकर डालते रहना है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग कढ़ी का पकौड़े बनाते हैं उसी तरह सेम प्रोसेस है। और आप देख सकते हैं कि तेल में डालते ही ये जो पकौड़ी है दही बड़े के ऊपर आ गए हैं। तो इसी से समझ में आ रहा है कि जो हमारा मिक्सर है काफ़ी फ्लफ़ी है, और अंदर तक जब ये दही बड़े जब बन जाएंगे तो अंदर तक काफ़ी ये सॉफ्ट भी रहेगा। तो इसे बहुत ज़्यादा रेड कलर में हमें नहीं पकाना है, बस इतना होना चाहिए कि अच्छी तरह से पक जाए और ऊपर एक अच्छा सा येलोइश कलर आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा लाल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट ही लगता है इसे पकने में, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है।
तो एक बैच यहाँ बन चुका है, अब दूसरा बैच बना लेते हैं। तो ये पकोड़े अगर आप चाहें तो एक दिन पहले भी बना कर रख सकते हैं, अगर त्यौहार है या पार्टी वगैरह है, और दूसरे दिन आप इसे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दीजिए, 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये सॉफ़्ट हो जाए तो इसे सर्व करें, इसके ऊपर दही और मसाले वगैरह डाल के, खट्टी मीठी चटनी, तीखी चटनी डाल के। तो आप चाहें तो ये एक दिन पहले बना कर एक डिब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दें। तो ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया है, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, देखते ही मतलब लग रहा है कि खा लें। और जो पानी मैंने गर्म किया था, अब उसमें ये जो दही बड़े के लिए मैंने पकोड़े बनाए हैं उसको डाल देंगे, और इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि अंदर तक अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए और नमक का भी टेस्ट आ जाए, क्योंकि मैंने मिक्सर में नमक नहीं डाला था जब उस समय फेंट रही थी, बाद में इसमें मैंने नमक डाला है। अगर आप चाहें तो उसी समय नमक डाल सकते हैं। तो अब 2 मिनट के बाद इसे हाथों से हल्का सा प्रेस करते हुए पानी निकाल देंगे, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये प्रेस हो जा रहा है, ज़्यादा प्रेस करने पे ये टूट जाएंगे, इतने ज़्यादा ये सॉफ़्ट बने हैं। तो इस तरह से सारे दही बड़े को निकाल लेंगे। तो अब आइए इसे सर्व करते हैं। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से जो मैंने मीठी वाली दही बनाई है उसे डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं दही बिल्कुल लग रहा है क्रीम टाइप का मैंने बनाया है, उस तरह से लग रहा है। तो दही को बहुत अच्छी तरह से फेंटना ज़रूरी है, तभी ये मार्केट जैसा लगेगा। तो इसके ऊपर मैंने ढेर सारी दही डाल दी है। अब इसके ऊपर जो मैंने मसाला बनाकर रखा है, मतलब जो जीरा को भून कर पीस कर रखा है, उसे डाल देंगे, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, काला नमक डालेंगे और सादा नमक डालेंगे। तो ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, खट्टा मीठा तीखा चटपटा, जैसा भी आपको जो भी चीज़ ज़्यादा पसंद हो अपने हिसाब से इसमें डालें। अब इसके ऊपर धनिया वाली जो मतलब चाट वाली जो हरी धनिया की चटनी होती है ना, उसको मैंने डाल दिया है, और साथ में इमली वाली चटनी मैंने डाला है। तो ये धनिया वाली चटनी और इमली वाली चटनी मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कैसे बनाया है ये बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये देखिए दही बड़े मैं काट के दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना अंदर तक, बिल्कुल ये कहीं से भी कड़ा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल रुई की तरह मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा। तो एक बार ज़रूर आप इसे ट्राई करिएगा मेरे बताए हुए तरीके से, और उड़द की दाल को अच्छी तरह से 8 से 10 घंटे भिगाने के बाद ही बनाइएगा, तो जैसा आप रिज़ल्ट चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर हमें बताइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड।